हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं। AS 12 हेडिंग सब लिखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स। सिंपल सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है? जरा देखना, शुरू करते हैं बेटा। हेडिंग सब लिखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अच्छा, इसमें हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है? हेडिंग लिख लो बेटा, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स मींस असिस्टेंस। गवर्नमेंट ग्रांट्स मीन्स असिस्टेंस गिवन इन कैश और इन काइंड। गवर्नमेंट ग्रांट्स मीन्स असिस्टेंस गिवन इन कैश और इन काइंड फॉर पास्ट और फ्यूचर। फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस। गवर्नमेंट ग्रांट्स मीन्स असिस्टेंस गिवन इन कैश, ठीक है, और इन काइंड फॉर पास्ट और फ्यूचर कॉम्प्लायंस ऑफ कंडीशंस। फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस। चलो बेटा बेटा, एक एक वर्ड का मतलब इसमें समझना शुरू करेंगे। पहला वर्ड जो आता है दैट इज असिस्टेंस। तो बेटा, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। असिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है? हेल्प। यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स बेसिकली एक हेल्प है, एक असिस्टेंस है, गिवन इन कैश। यानी आपको एक बात क्लियर हुई, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी मॉनेटरी हो सकती हैं इन कैश, ठीक है, लिखते रहो साथ साथ बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी मॉनेटरी हो सकती हैं या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन काइंड हो सकती हैं, मतलब नॉन मॉनेटरी हो सकती हैं। तो याद रखना, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी मॉनेटरी भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती हैं। बात समझ आई? फॉर पास्ट और फ्यूचर, इस पे मैं बाद में आता हूं, कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस। बेटा एक बात मुझे ना क्लियर हुई है यहां से, पता है क्या, ये जो ग्रांट्स होती है ना बेटा, ये हमेशा बेटा कंडीशनल होती है। आपको जो ग्रांट्स दी जाती हैं बेटा, वो हमेशा उनके साथ एक कंडीशन अटैच्ड होती है। ग्रांट्स हमेशा बेटा क्या होती है? कंडीशनल। अब बेटा इसका क्या मतलब हुआ? पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ कंडीशन। यानी पता है बेटा होता क्या है, जरा सुनो। मैंने कहा ग्रांट्स हमेशा बेटा कंडीशनल होती है। कंडीशनल का क्या मतलब हुआ? ग्रांट्स के साथ हमेशा एक कंडीशन बेटा क्या होती है? अटैच्ड। मतलब कंडीशन पूरी हो चुकी है तब ग्रांट दी जा रही है, या ग्रांट दे दी जा रही है सब्जेक्ट टू वो कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। यानी बेटा पता है मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रांट दी गई है ना, वो कंडीशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और ग्रांट आज दी जा रही है,
या फिर ग्रांट आज दी जा रही है और फ्यूचर में आपको कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल देके बताता हूं, सुनो, पहले कॉपी कर लिया ये सब ने, देखो मैं आपको ना एग्जांपल से बताता हूं। जैसे बेटा मैं थोड़ा सा एग्जांपल देखना, बेटा हुआ क्या था, जो बिहार की गवर्नमेंट थी ना, कौन सी गवर्नमेंट, बिहार की जो गवर्नमेंट थी, उसने पता है बेटा महेंद्र सिंह धोनी को, उसने महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहा, अगर इंडिया वर्ल्ड कप 2011 जीतती है तो हम तुम्हें तुमको बिहार में, झारखंड में क्रिकेट एकेडमी को खोलने के लिए ग्रांट के फॉर्म में एक लैंड देंगे। बात समझ आई बेटा? अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो झारखंड में क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए हम तुमको एक लैंड एज ग्रांट हम देंगे। तो बात समझना, सुनो, पहले मुझे बेटा कुछ बातों का ना इसमें जवाब दो। पहले बताओ यहां पर ग्रांट किस फॉर्म में दी जा रही है बेटा? लैंड के फॉर्म में, मतलब नॉन मॉनेटरी नेचर की है ग्रांट, नॉन मॉनेटरी नेचर की है। अच्छा बेटा शर्त क्या है? अगर इंडिया वर्ल्ड कप 2011 जीतती है तो, ये वो कंडीशन है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पर कंडीशन पहले सेटिस्फाई होगी फिर ग्रांट दी जाएगी, या ग्रांट पहले दी जाएगी फिर कंडीशन बेटा सेटिस्फाई होगी? तो बेटा इस केस में याद रखना, पहले पहले कंडीशन को सेटिस्फाई बेटा करना पड़ेगा। पहले वर्ल्ड कप जीतेगी ना इंडिया, उसके बाद जाके बेटा क्या मिलेगी, ग्रांट। बात समझ आई? तो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करो फिर ग्रांट मिलेगी। मतलब जो ग्रांट दी जा रही है, ग्रांट इज बीइंग गिवन, ग्रांट इज बीइंग गिवन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पास्ट कंडीशन, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पास्ट कंडीशन। मतलब कंडीशन पास्ट में सेटिस्फाई हो चुकी है और तब ग्रांट दी जा रही है। तो ग्रांट इज बीइंग गिवन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अ पास्ट कंडीशन। पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी बेटा फिर ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, अच्छा कॉपी करो बेटा, फिर एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखो बेटा अब एक और एग्जांपल, देखो अब सपोज बच्चे अंबानी है, अब सपोज अंबानी है, ठीक है, और एक तरफ है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये पता है क्या चाहती है, कि जो पिछड़े हुए स्टेट्स है ना, जो थोड़े अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, अंबानी साहब वहां पर क्या करें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का सेटअप करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब वहां जाएं और फैक्ट्रीज इंडस्ट्री सेटअप करें, इससे उन अंडर डेवलप्ड एरियाज की ग्रोथ होगी। ठीक है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बेटा बैकवर्ड एरियाज में,
बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्रीज वगैरह का क्या करें, सेटअप करें। वो फैक्ट्रीज वगैरह का क्या करें, सेटअप। ठीक है, अब सुनो, चलो अंबानी टाटा बिरला ये सब बेटा तैयार हो गए। अब अंबानी ने कहा, चलो हमने क्या करा, सुनो हमने क्या करा, हमने असम में एक बेटा फैक्ट्री सेटअप करी, हमने असम में एक फैक्ट्री सेटअप करी। ठीक है, सेटअप करने पे बेटा खर्चा आया, फ्री में थोड़ी ना सेटअप हो जाएगी, सेटअप करने में खर्चा आया 100 करोड़ का। फैक्ट्री को सेटअप करने में खर्चा आया 100 करोड़ का। कितने का खर्चा आएगा, 100 करोड़ का। अभी आया नहीं है, आएगा इतना खर्चा। अब बेटा अंबानी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कह रहा है, अंबानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, तुमने कहा बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करो, ठीक है हम कर देंगे, लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा फैक्ट्री को सेटअप करने में, पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है पैसे की चिंता तुम मत करो, हम तुम्हें फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए ग्रांट देंगे, हम तुम्हें इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या देंगे बेटा, ग्रांट देंगे 60% की सपोज, मतलब 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपीस तुम्हें हम देंगे, बस तुम्हें अपनी जेब से 40 करोड़ रुपए लगाने हैं और फैक्ट्री क्या हो जाएगी बेटा, सेटअप हो जाएगी। बात समझ आई? अब मुझे एक बात का जवाब बेटा इस केस में देना, यहां पर जो ग्रांट दी जा रही है मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? तो बेटा यहां पर ग्रांट आपको मॉनेटरी दी जा रही है, कैश में दी जाएगी बेटा। और एक बात और बताओ, शर्त क्या है, आपको बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री क्या करनी पड़ेगी बेटा, सेटअप करनी पड़ेगी। ये वो शर्त है, ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ये ग्रांट दी जा रही है, ये वो शर्त है जिसकी वजह से आपको ग्रांट दी जा रही है। और लास्ट बात बेटा एक बात और बता दो, यहां पर पहले बेटा ग्रांट दी जाएगी, उसके बाद बेटा फैक्ट्री सेटअप करी जाएगी, यानी यहां पर ग्रांट पहले दी जाएगी और शर्त यह है कि फ्यूचर में आप इस कंडीशन को क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे, असम में आप बैकवर्ड एरियाज में आप फैक्ट्री का सेटअप करोगे बेटा। तो पहले ग्रांट मिलेगी, उसके बाद बेटा फैक्ट्री का क्या होगा, सेटअप। तो मुझे एक बात बताना, यहां पर ग्रांट इज गिवन, ग्रांट इज गिवन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इन फ्यूचर। हम एक शर्त पे ग्रांट दे रहे हैं आपको, प्रोवाइडेड आप हमसे वादा करो कि जिस कंडीशन के लिए हमने आपको ये ग्रांट दी है उस कंडीशन को आप फ्यूचर में बेटा क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे, पूरा करोगे। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? तो बेटा याद रखना, ग्रांट मतलब असिस्टेंस, मॉनेटरी भी हो सकती है नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, ग्रांट हमेशा कंडीशनल होती है। अब मेन बात क्या है, हो सकता है कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो चुकी हो, ग्रांट बाद में दी जा रही हो, या ग्रांट पहले दी जा रही हो और कंडीशन फ्यूचर में सेटिस्फाई की जाएगी। तो ये आपकी बेटा पूरी डेफिनेशन है गवर्नमेंट ग्रांट की एज पर AS 12। कॉपी करो बेटा, कॉपी कर लो इसे। चलो बच्चे आगे चलें, समझ आई पूरी डेफिनेशन?
तो कीवर्ड्स क्या-क्या रहेंगे बेटा इसमें, एक बार बताओ कीवर्ड्स हमारे क्या-क्या रहेंगे। पहला कीवर्ड है ग्रांट मींस एन असिस्टेंस, मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, हमेशा कंडीशनल होगी, ठीक है, हो सकता है कंडीशन पास्ट में सेटिस्फाई हो चुकी हो या फ्यूचर में सेटिस्फाई होगी। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया सबको? तो ये आपके बेटा गवर्नमेंट ग्रांट्स की क्या है डेफिनेशन। चलो अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। चलो बेटा मेन केस शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना है बेटा। टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, लो बेटा कॉपी करो टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। और बेटा मैंने अभी बताया था ना कितने तरह की ग्रांट्स होती है बच्चे, दो होती है ना, कौन कौन सी, मॉनेटरी मॉनेटरी ग्रांट्स, ठीक है, और कौन सी होती है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। तो ग्रांट्स आपकी दो होती हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ग्रांट्स आपकी दो होती हैं, कैश में या काइंड में, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ठीक है बेटा। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चे मॉनेटरी ग्रांट्स कितने तरह की होती हैं, तो एक चार्ट बेटा मेरे साथ साथ बनाना बेटा। मॉनेटरी ग्रांट्स ना तीन तरह की होती हैं, एक तो हम कहते हैं, एक को तो हम कहते हैं रेवेन्यू ग्रांट्स, एक को तो हम कहते हैं बेटा रेवेन्यू ग्रांट्स, दूसरी होती है ग्रांट ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स, दूसरी होती है ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स, और बेटा तीसरी होती है ग्रांट्स इन नेचर ऑफ, ग्रांट्स इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरी होती हैं ग्रांट्स इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरह की ग्रांट्स होती हैं बेटा। बेटा अब आगे अगर थोड़ी सी बात करूं ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स, बेटा दो होती हैं ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स, दो होती हैं, पहली रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स जैसे प्लांट और मशीनरी, ग्रांट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स यानी प्लांट और मशीनरी, और दूसरी होती है ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स मतलब लैंड, ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स यानी लैंड। कॉपी करो बेटा फिर हम समझना शुरू करेंगे। रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स, रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स, लो बेटा कॉपी करो फिर करना शुरू करते हैं। तो याद रखना मेनली ग्रांट्स दो हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी तीन तरह की है बेटा, कौन कौन सी, रेवेन्यू ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स और ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड ग्रांट्स बेटा दो होती हैं, रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स और रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स, ठीक है।
और बेटा एक छोटी सी बात मैं अगर और कर लूं आपसे, रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स की अगर बात करूं बेटा, तो इसको करने के हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑल्टरनेटिव वन और ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव वन और ऑल्टरनेटिव टू। ऑल्टरनेटिव वन और ऑल्टरनेटिव टू बेटा, ऑल्टरनेटिव वन है रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स और दूसरा है ट्रीट एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ट्रीट एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर मैं एक एक करके आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। लो कॉपी करो फिर समझना शुरू करते हैं बेटा। ये पूरा चार्ट बनाओ, करें बेटे। चलो अब मैं आपको फिर से पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उसी ऑर्डर में चलेंगे बेटा। सबसे पहले सुनो, मेरी बात सुनो अभी। सबसे पहले बेटा मॉनेटरी ग्रांट्स है ना, तो रेवेन्यू ग्रांट्स के आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर वन। रेवेन्यू ग्रांट्स के आगे बेटा वर्किंग नोट नंबर वन, और नीचे आ जाओ, सिंपल है, इसमें खास कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर वन, रेवेन्यू ग्रांट्स, खास कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंपल है ये। बेटा जो रेवेन्यू ग्रांट्स दी जाती है ना, रेवेन्यू ग्रांट्स ये दी जाती हैं फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये ग्रांट आपको क्यों दी जाती है बेटा? फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ताकि आप इस पैसे से अपने रोजमर्रा के खर्चों को बेटा मीट आउट कर पाओ। अगर मैं पूछूं इन ग्रांट्स का बेटा ट्रीटमेंट क्या होगा, इन ग्रांट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बेटा सिंपल बात है, ये ग्रांट किस पर्पस के लिए दी गई थी बेटा? फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो बेटा याद रखना, ये ग्रांट ना फिर रेवेन्यू नेचर की ग्रांट हो जाती है बेटा, और रेवेन्यू नेचर की ग्रांट इज टू बी ट्रांसफर टू कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है ना, कहां जाएगी? पीएल में जाएगी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा अगर मैं आपको इसकी एक एंट्री बनाने को बताऊं, कहूं कि एंट्री बनानी है इसकी रेवेन्यू ग्रांट की एंट्री, तो बेटा सुनो, ग्रांट हमें रिसीव हो रही है, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है ना, तो बैंक डेबिट, और क्योंकि रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, कहां जाएगी? पीएल में। लो बेटा रेवेन्यू ग्रांट का ट्रीटमेंट हो गया। ये कौन सी ग्रांट थी? रेवेन्यू ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, ठीक है, रेवेन्यू खर्चों को मीट आउट करने के लिए दी गई है, कहां जाएगी? पीएल में जाएगी बेटा। कॉपी करो, ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रांट, इसमें बेटा ज्यादा दिक्कत नहीं है हमें। तो रेवेन्यू ग्रांट जो होती हैं वो रेवेन्यू खर्चों को मीट आउट करने के लिए दी गई हैं, कहां जाएंगी? पीएल में जाएंगी। चलो अब आओ बेटा, इंपॉर्टेंट शुरू कर रहा हूं,
सुनो सुनो, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट, उसमें हम पहले पढ़ेंगे रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर टू लिखो यहां पर, रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स में लिखना वर्किंग नोट नंबर टू। वर्किंग नोट नंबर टू लिखो, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स। बेटा इंपॉर्टेंट केस शुरू कर रहा हूं, मेजॉरिटी केसेस इसी में से आते हैं, एग्जाम्पल करेंगे देखना। ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स, सुनो बेटा, बेटा इसको करने के ना हमारे पास बेटा दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहले हम करेंगे ऑल्टरनेटिव वन, पहले कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव वन। ऑल्टरनेटिव वन है ग्रांट रिसीव्ड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। लिखो, ग्रांट रिसीव्ड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। चलो बेटा आपको एक एग्जाम्पल से कराता हूं, ट्रीटमेंट देखेंगे। देखो एग्जाम्पल बेटा, 1 अप्रैल 19 को आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज करे, फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बेटा 10 करोड़ के फिक्स्ड असेट्स आपने क्या करे परचेज, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 19 को ही आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव्ड फॉर किस पर्पस के लिए मिली थी, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ₹6 करोड़। तो 6 करोड़ रुपए की आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ठीक है। कॉपी करो बेटा, फिर एंट्रीज बनाएंगे इसकी। हेडिंग लिख लो, जर्नल एंट्रीज, कॉपी कर लो बेटा इतना। कर लिया बच्चे सबने कॉपी? चलो आओ आओ मेरे साथ साथ, पहले बेटा एंट्रीज बनाएंगे। 1 अप्रैल 19, सुनो बेटा, आपने क्या परचेज करे, फिक्स्ड असेट। एंट्री, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आपने 10 करोड़ रुपए के क्या परचेज करे बेटा, फिक्स्ड असेट। बात समझ आई, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब बताओ उसी दिन 1 अप्रैल 19 को आपको बेटा गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हुई, तो कैश का इनफ्लो हुआ ना, बैंक बेटा। अब मुझे बताओ कि ये ग्रांट किस लिए मिली थी, फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए। तो बेटा ये ग्रांट पता है क्या करेगी, फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को बेटा क्या कर देगी, कम। तो ये देखो ऑल्टरनेटिव वन यही तो था, ग्रांट रिसीव्ड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। तो बताओ ये ग्रांट, 6 करोड़ रुपए की ग्रांट, फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को कम कर देगी। तो मैंने फिक्स्ड असेट को क्रेडिट कर दिया 6 करोड़ से। बात बताओ बेटा, समझ आई? चलो ये हमारा ऑल्टरनेटिव वन हुआ। इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं बेटा, अब याद रखना बेटा, फिक्स्ड असेट आपने खरीदा था 10 करोड़ का, और फिक्स्ड असेट की कॉस्ट बेटा 6 करोड़ से कम हो गई। तो बताओगे नेट
फिक्स्ड असेट बेटा कितने का रह गया, 4 करोड़ का ही तो रह गया। तो डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज टू बी चार्ज्ड ऑन ऑन कितने रुपए पे डेप आएगा बेटा, 4 करोड़ पे डेप आएगा, क्योंकि फिक्स्ड असेट अब 4 करोड़ का ही रह गया। ग्रांट ने फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को कम कर दिया, तो डेप्रिसिएशन नेट कॉस्ट पे ही चार्ज होगा, मतलब 4 करोड़ पे। तो ये बात बस याद रखना, अब डेप्रिसिएशन पूरे 10 करोड़ पे नहीं, कितने पे चार्ज होगा, 4 करोड़ पे। बताओ बेटा समझ आया सबको, कॉपी करो। ये हमारा कौन सा ऑल्टरनेटिव हो गया बेटा, ये हो गया ऑल्टरनेटिव नंबर 1। ये बचे हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव 1। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो ऑल्टरनेटिव 1 में जो ग्रांट मिली है वो फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को कम कर देगी, और याद रखना डेप्रिसिएशन फिर नेट अमाउंट पे ही चार्ज होगा, 4 करोड़ रुपए पे। फिर हम करते हैं ऑल्टरनेटिव 2। क्लियर हुआ सबको? अच्छा चलो मैं एक काम करूं, निकाल के ही बता दूं डेप्रिसिएशन। सुनना बेटा, अज्यूम करो, अज्यूम करो इसमें लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट इज 5 years, इज 5 years विद विद निल स्क्रैप वैल्यू। चलो एक काम करो, चलो डेप्रिसिएशन बेटा निकाल के ही बता दो, लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो बेटा डेप्रिसिएशन आ जाता है कितने पे लगेगा, डेप्रिसिएशन 4 करोड़ पे बेटा। 4 करोड़ माइनस स्क्रैप वैल्यू निल डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 5 साल, तो बेटा डेप्रिसिएशन आता है 80 लाख पर एनम। आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 80 लाख रुपए पर एनम। ये आपका बेटा ट्रीटमेंट हो गया ऑल्टरनेटिव 1 में। ठीक है, कॉपी करो बेटा, फिर करते हैं हम ऑल्टरनेटिव 2। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे, फिर हम ऑल्टरनेटिव 2 करेंगे। करें बेटा ऑल्टरनेटिव 2, आ जाओ जरा ध्यान से बेटा, थोड़ा समझने वाला केस है ऑल्टरनेटिव 2। देखो अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव 2 क्या आता है जरा देखना बेटा। ऑल्टरनेटिव 2 है, लिखो गवर्नमेंट ग्रांट, या लिखना ग्रांट रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड इज टू बी ट्रीटेड एज, इज टू बी ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा मैं सेम रखूंगा, एग्जाम्पल सेम है, सेम एज अबव। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। फर्स्ट बेटा सबसे पहले आपने फिक्स्ड असेट्स क्या किया था, परचेज एंट्री, फिक्स्ड असेट्स डेबिट टू बैंक,
कितने के फिक्स्ड असेट्स खरीदे थे बेटा? 10 करोड़ के। फिक्स्ड असेट्स डेबिट टू बैंक। चलो फिर सेकंड सेकंड, अब सुनना, अब बताओ बेटा हमें ग्रांट क्या हुई? रिसीव। ग्रांट रिसीव होगी तो बैंक को तो करेंगे बेटा डेबिट 6 करोड़ से, लेकिन बेटा ऑल्टरनेटिव टू में हम फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को टच नहीं करते हैं, उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। इंस्टेड ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बेटा लायबिलिटी है जो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। बात बताओ समझ आई? लिखो पहले, याद रखना इस वाले मेथड में हम फिक्स्ड असेट्स की कॉस्ट को टच बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इंस्टेड गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं एक सेपरेट अकाउंट नोन एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अभी सुनना बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा। अब आता है बेटा तीसरा। अब मेरी एक बात सुनो, अब क्या मैंने फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को रिड्यूस किया बेटा? नहीं। तो फिर डेप्रिसिएशन बेटा कितने पे लगेगा? डेप्रिसिएशन फिर पूरे 10 करोड़ पे लगेगा। डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, 10 करोड़ पे स्क्रैप वैल्यू निल, यूजफुल लाइफ 5 साल, तो कितने रुपए का डेप्रिसिएशन बेटा? 2 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और फिक्स्ड असेट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन? 2 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन, पीएल डेबिट टू फिक्स्ड असेट। ये आपका बच्चे डेप्रिसिएशन आ गया, सुनना भी, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन। लो बेटा आ गया सबका डेप्रिसिएशन, कॉपी करो पहले से। ये 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन आ गया, आया पॉइंट? अब सुनना बेटा सुनना, अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा बेटा कि सर ठीक है चलो यहां तक तो हमें समझ आ गया, थोड़ा सा हमें यह भी बता दो ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इसका क्या होगा? पता है बेटा इसका क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। डेफर्ड का मतलब होता है दिस गवर्नमेंट ग्रांट इज योर इनकम, मिली है ना तो इनकम है, लेकिन लेकिन ये इनकम पीएल में रेकग्नाइज एक साथ एक साल में नहीं होगी। इंस्टेड ये 6 करोड़, ये 6 करोड़ पीएल में एज इनकम रेकग्नाइज होगा। अच्छा, यूजफुल लाइफ बेटा असेट की क्या थी? 5 साल। तो ये 6 करोड़ की इनकम पीएल में रेकग्नाइज होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब बेटा हर साल आप कितने रुपए की इनकम पीएल में रेकग्नाइज करोगे? 1 करोड़ 20 लाख की इनकम आप पीएल में रेकग्नाइज करोगे। पीएल क्रेडिट होगा ना, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगा। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा ये हर साल होगा जब तक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट खत्म नहीं हो जाती लायबिलिटी साइड से। तो मुझे बताओगे बेटा पहले साल 6 में से 1.2 जाएगा, तो लायबिलिटी साइड पे कितना बचेगा? 4.8। फिर 4.8 में से 1.2 जाएगा, सेकेंड ईयर बचेगा 3.6। फिर 3.6 में से 1.2 जाएगा, थर्ड ईयर में बचेगा 2.4। फिर 2.4 में से 1.2 जाएगा, फोर्थ ईयर में बचेगा 1.2, और बचा हुआ 1.2 फिफ्थ ईयर में जाएगा पीएल में, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस हो जाएगा बच्चे 0। बात समझ आई? और मैं आपको एक बार बताऊं बेटा,
मेरी बात सुनना, कॉपी करो पहले से, फिर आगे बात करता हूं आपसे। तो बेटा मैं एक बात आपसे थोड़ी सी कर लूं, सुनो, इन दोनों एंट्रीज को बेटा देखना, इन दोनों एंट्रीज को मुझे बताओ, पीएल डेबिट कितने से हुआ? 2 करोड़ से। और पीएल क्रेडिट कितने से हुआ? 1 करोड़ 20 लाख से। मतलब नेट नेट पीएल बताओ, डेबिट नेट पीएल डेबिट बेटा कितने से हुआ है? नेट पीएल डेबिट तो बेटा 80 लाख से ही हुआ है ना। 2 करोड़ से डेबिट हुआ, 1 करोड़ 20 लाख से क्रेडिट हुआ, तो नेट 80 लाख से ही तो डेबिट हुआ। और अगर आप ऑल्टरनेटिव वन देखोगे, कौन सा ऑल्टरनेटिव, ये देखो ऊपर, अगर आप ऑल्टरनेटिव वन देखोगे, ये देखो, ये बेटा ऑल्टरनेटिव वन था, उसमें पीएल कितने से डेबिट हो रहा था बेटा? 80 से ही डेबिट हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिव वन और ऑल्टरनेटिव टू बेटा, आंसर दोनों ऑल्टरनेटिव्स में सेम ही आएगा, बस करने का तरीका फर्क है। दोनों में पीएल डेबिट नेट 80 से ही होगा, ऑल्टरनेटिव वन में भी और ऑल्टरनेटिव टू में भी। लो बच्चे कॉपी करो। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ। ये हमारी ग्रांट्स हो गई रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स। बेटा मेन हमारी कैलकुलेशन यहीं तक है, इसके बाद का काम बेटा फिर हमारा आसान हो जाता है। करें आगे चलें, कॉपी कर लो। अच्छा मैं छोटी सी एक बात बेटा लिख देता हूं, ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये आपकी क्या है बेटा? लायबिलिटी है, ये आपकी लायबिलिटी है। कहां पर जाएगी बेटा? बैलेंस शीट में जाएगी। लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकम साइड पे जाता जाएगा पीएल की, ठीक है? अब आ जाओ फिर से अपने ऊपर बेटा स्टेटमेंट चार्ट पे, कौन कौन से ट्रीटमेंट देखो हो गए हमारे। चलो बेटा ये देखो, रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट्स हो गया। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3, रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। आओ मेरे साथ साथ, वर्किंग नोट नंबर 3, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। बेटा सिंपल है, खास कुछ नहीं है इसमें। देखो ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स, लिख लो बेटा हेडिंग लिख लो, फिर कॉपी कर, फिर करते हैं। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। बेटा अपना थोड़ा सा केस आप अज्यूम करो, अब मुझे जो ग्रांट गवर्नमेंट ने दी है ना, वो बेटा प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए मुझे पैसा नहीं दिया है, मुझे पैसा बेटा जमीन खरीदने के लिए दिया है। मुझे पैसा किसके लिए दिया है बेटा? जमीन खरीदने के लिए। तो बेटा इसकी एंट्री क्या करोगे? आपको पैसा मिला है जमीन खरीदने के लिए, आपको गवर्नमेंट से पैसा किस पर्पस के लिए मिला है बेटा? जमीन खरीदने के लिए। और बेटा एंट्री क्या होगी? पैसा मिला है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। सुनो सुनो बेटा, जमीन खरीदने के लिए पैसा मिला है, इसका मतलब ये ग्रांट बेटा कैपिटल नेचर की ग्रांट है।
असेट खरीदने के लिए पैसा मिला है, कैपिटल नेचर की ग्रांट है। और बेटा कैपिटल नेचर की ग्रांट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल नेचर की ग्रांट है दैट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो पैसा आपको किस पर्पस के लिए मिला था बेटा? असेट खरीदने के लिए। मतलब ग्रांट कैपिटल नेचर की ग्रांट है, कहां जाएगी? कैपिटल रिजर्व में। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट था, बस ये हो गई आपकी ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। तो खास कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कॉपी करो बेटा। आपको पैसा नॉन डेप्रिसिएबल असेट यानी जमीन खरीदने के लिए मिला है, तो याद रखना ये ग्रांट कैपिटल नेचर की ग्रांट है। और क्योंकि कैपिटल नेचर की ग्रांट है तो कहां जाएगी बेटा? कैपिटल रिजर्व में जाएगी। कॉपी करो बेटा, क्लियर हो रही है? टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, चलो बच्चे ये भी हो गई हमारी। अब देखते हैं और कौन सी है। ये देखो बेटा अगली है, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 4। सिंपल बात है बेटा, लिखो वर्किंग नोट नंबर 4, ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल बेटा। देखो बेटा एग्जाम्पल कराऊंगा, नहीं करा चुका हूं बेटा, करा चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कौन सी ग्रांट हुई बेटा? मेरे को एक बार बताओ बेटा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंबानी को, टाटा को, बिरला को कहा था कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करो, बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करो, ताकि हम उन बैकवर्ड एरियाज का ग्रोथ कर पाए, वहां पर पॉवर्टी खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ध्यान से सुनना, बिजनेस शुरू करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसे की जरूरत है ना, पैसे की दिक्कत है ना, हम देंगे। यानी बेटा एक तरह से देखा जाए तो वहां पर गवर्नमेंट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ प्रमोटर, जो आपके इंडस्ट्री को सेटअप करने में, बिजनेस को खोलने में आपकी बेटा मदद कर रही है। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल यहां पर बेटा वही वाला हो गया, अंबानी वाला। क्या हुआ था इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा अंबानी को बच्चे पैसा दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंबानी को पैसा दिया था और कहा था कि आपको क्या करना है, बैकवर्ड एरियाज में आपको फैक्ट्री सेटअप कर, और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो पैसा लगेगा ना, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्या देंगे, ग्रांट देंगे, ताकि आप उस पैसे से बिजनेस शुरू कर पाओ। तो इस ग्रांट को बेटा हम क्या कहते हैं,
प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर, वो आपका बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद कर रही है। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर, जो आपका बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद कर रही है। पक्का? अब मैं पूछूं इस ग्रांट की बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। ग्रांट रिसीव हो रही है ना, तो बैंक डेबिट। और बेटा ये ग्रांट भी ना कैपिटल नेचर की ग्रांट होती है, और कैपिटल नेचर की है तो कहाँ जाएगी बेटा, कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो याद रखना ये ग्रांट भी कैपिटल नेचर की ग्रांट है, कैपिटल नेचर की ग्रांट है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। ये ग्रांट भी आपकी कैपिटल नेचर की ग्रांट है बेटा, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। चलो ये आपकी हो गई बेटा ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। लो बेटा कॉपी करो, फिर लास्ट पे आते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है बेटा सबको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद कर रही है, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रमोटर फॉर योर बिजनेस। प्रमोटर कौन होता है? जो बिजनेस शुरू करने में मदद करता है आपकी, वही सेम है। ट्रीटमेंट क्लियर हुआ? चलो बेटा अब आ जाओ लास्ट ग्रांट पे। और लास्ट है बेटा आपकी नॉन मॉनेटरी ग्रांट, वर्किंग नोट नंबर 5। बेटा नॉन मॉनेटरी ग्रांट, वर्किंग नोट नंबर 5, ध्यान से बेटा सुनना। वर्किंग नोट नंबर 5 नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा हमने क्या नॉन मॉनेटरी ग्रांट का एग्जाम्पल किया है बेटा? बिल्कुल किया है हमने। हमने किया था ना कि बिहार की गवर्नमेंट ने महेंद्र सिंह धोनी को लैंड दिया, ठीक है, कब दिया? उसके वर्ल्ड कप के जीतने पे। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये ग्रांट कौन सी है बेटा? कैश नहीं दिया है, उसको जमीन दे दी है। तो एक तो होता है जमीन के लिए कैश देना, और एक होता है जमीन देना। अगर जमीन के लिए कैश दिया जाता है, दैट इज अ मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट, कैपिटल नेचर की ग्रांट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगी। और दूसरा केस है जमीन के लिए पैसा नहीं दिया, जमीन ही दे दी। अब बताओ मेरे को इसकी क्या एंट्री होगी? अब सुनो बेटा ध्यान से, जरा ध्यान से बेटा ये केस, जरा इसकी हम बनाएंगे बेटा जर्नल एंट्री। ध्यान से बेटा, अच्छा मुझे एक बार बताओ, आपको जब जमीन के लिए पैसा दिया गया था तो आपने कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करा था। अब पैसा तो दिया नहीं गया, क्या दिया गया? लैंड। तो किसको डेबिट करेंगे? लैंड को, लैंड अकाउंट डेबिट। और बेटा जब लैंड दिया गया है आपको, असेट दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिल गया बेटा असेट, तो कैपिटल प्रॉफिट है ना, कहां जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ आई? लैंड आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन बेटा एक छोटी सी दिक्कत आएगी, अमाउंट। यहां पर बेटा क्या लिखोगे?
क्योंकि बेटा ये लैंड खरीदा नहीं है जो मैं अमाउंट लिख दूं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। अमाउंट क्या लिखोगे? आपको कोई लैंड आपने खरीदा थोड़ी ना है। अगर 10 करोड़ का खरीदा होता 10 करोड़ लिख देता है यहां पर, लेकिन आपको तो लैंड मिला है बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या लिखोगे? किस वैल्यू पे लिखोगे बेटा? हो सकता है बेटा आप लोगों के दिमाग में आए कि सर जो भी उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी उस पे लिख देते हैं। तो बेटा बात भी ठीक है, जो भी लैंड की उस दिन की क्या होगी मार्केट वैल्यू, लिखना मत आप लोग, आप लोग मत लिखना, मेरी बात सुनना। सपोज उस दिन की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ थी, तो मैं 10 करोड़ लिख देता हूं, लिखना मत आप लोग। लेकिन बेटा मुझे ना इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी नजर आती है। अगर आप यहां पर 10 करोड़ लिखते हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आप कैपिटल रिजर्व में 10 करोड़ लिखते हो, तो बेटा उसकी मुझे प्रॉब्लम पता है क्या नजर आती है? आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 10 करोड़ का, और AS1 में बेटा हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल किया था जो साफ साफ कहता था प्रॉफिट्स को ऑन एन अर्ली बेसिस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो लैंड मिलने पे कैसा प्रॉफिट बेटा, लैंड बेचने पे नहीं होता है क्या प्रॉफिट? लैंड मिलने पे कैसा प्रॉफिट? इसका मतलब बेचने से पहले आपने 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया बेटा, बात इलॉजिकल नहीं लगती? यहां पर आप किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो बेटा? प्रूडेंस प्रिंसिपल को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, जो कहता था कि प्रॉफिट्स को ऑन एन अर्ली बेसिस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आपने लैंड को बेचने से पहले ही उस पर क्या रिकॉग्नाइज कर लिया? प्रॉफिट, जो कि बेटा सरासर क्या है, गलत है। तो पता है इस केस में ना, सुनो सुनो, लिखना कुछ मत, इस केस में हमारा जो AS है ना, उसने बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उसने कहा जो लैंड है ना वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, वो इंस्टेड रिकॉर्ड होगा एट अ नॉमिनल वैल्यू। आप लैंड को रिकॉर्ड करोगे एट अ नॉमिनल वैल्यू, और वो नॉमिनल वैल्यू आपकी श्रद्धा अनुसार कुछ भी हो सकती है। बस याद रखना, नॉमिनल वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए इनसिग्निफिकेंट हो, इमेटीरियल हो। अब सुनो, अगर आपका बिजनेस बेटा छोटा सा है तो आपके लिए 1 रुपए इनसिग्निफिकेंट है, शायद 100 रुपए भी इनसिग्निफिकेंट हो, शायद 1000 रुपए भी इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन हो सकता है 1 लाख रुपए आपके बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट हो। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करना है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू पे। अच्छा, अगर अंबानी है तो बेटा अंबानी के लिए तो 1 लाख भी इनसिग्निफिकेंट है, शायद 1 करोड़, तो बेटा 1 लाख 1 करोड़ तो उसके लिए ऐसा है ना, सागर में से अगर एक छोटी सी कटोरी, मग्गा भी नहीं बोलूंगा बेटा, ग्लास भी नहीं बोलूंगा, कटोरी पानी का भरना, तो उन्होंने कहा है आपको रिकॉर्ड करना है एट अ नॉमिनल वैल्यू जो आपके बिजनेस के लिए इनसिग्निफिकेंट हो। अब वो 100 रुपए है, 1 रुपए है, 1000 रुपए है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, वो आपको डिसाइड करना है। बस याद रखना जो भी वैल्यू यहां पर लोगे ना वो इमेटीरियल होनी चाहिए फ्रॉम योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इमेटीरियल होनी चाहिए, इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं इनसिग्निफिकेंट क्यों बेटा, इनसिग्निफिकेंट क्यों लेनी है? क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट आप ऑन एन अर्ली बेसिस मटेरियल अमाउंट का कैपिटल प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हाँ, आप इमटेरियल अमाउंट का प्रॉफिट दिखाओ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मटेरियल अमाउंट का 10 करोड़ रुपए का मैं प्रॉफिट ऑन एन अर्ली बेसिस शो नहीं कर सकता। इसीलिए आपका AS 12 कह रहा है प्रॉफिट शो कर दो, करना पड़ेगा बेटा, तो बहुत
इनसिग्निफिकेंट अमाउंट शो करना जिसका आपके प्रॉफिट्स पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। लो बेटे, मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस समझ आया। तो ये हमारा ना एक पार्ट आपके AS 12 का खत्म हो गया। बाकी बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इतना। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।